सत श्री अकाल जी, हीर फैमिली चैनल ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। सब तो पहले आप लए हुए बॉयल किए हुए आप लए हुए आलू, आलूआं नूं असी मैश किया हुआ आ। दो लए आप प्याज, अदरक, हरी मिर्च, नाल लिया आप धनिया। इधर लए आप मसाले, लून लिया आ, धनिया पाउडर लिया आ, जीरा पाउडर लिया आ, अजवाइन, काली मिर्च, गर्म मसाला, जीरा, चाट मसाला। सब तो पहले आप हम बनावे आलू का मसाला। इधर आप गैस से कढ़ाई रख ली है, हम इधर कढ़ाई गर्म हो चुकी है। हम आप पावे देसी घ्यो, साडा हम घ्यो गर्म हो चुका है। पहला पावे आप जीरा, जीरे ने थोड़ा जहा आप इन्हें भुना गे। साडा जीरा हम थोड़ा थोड़ा भुज गया है। हम आप पावे ये प्याज, साढ़े हम जड़े प्याज आ थोड़े थोड़े ब्राउन हो चुके हैं। असं बहुते ज़्यादा ब्राउन नहीं इनू करना, सिर्फ इन्हें पिंक पिंक ही रखना है। हम पावे पावे ये हरी मिर्च, अदरक, हम आप पावे ये मसाले, मसाले आप बहुता ज़्यादा ये भुनने नहीं है। ना ही आप देने मैश किए हुए आलू, थोड़े थोड़े करके आप ये मिक्स करा। हम आप सारिया चीज़ों ने मिक्स कर लिया है। लास्ट में पावे ये हरा धनिया, धनिया बहुत वधिया लगता है ये पाया हुआ। आप हम सारिया चीज़ें ये मिक्स कर लिया है। हम आप इन 5-10 मिनट ठंडा होने रखा। हम आप परौंठे बनाने शुरू करते हैं। सब तो पहला हम आप लिया है गुन्या हुआ आटा, या आटे को असं पहले गुन लिया सीगा, अपनी स्टफिंग आ। आप लिया सुक्का आटा, हम आप हौली हौली करके ये पेड़े बनाने हैं। आप पेड़ा जोड़ा अपना बहुता भारा नहीं आप पेड़ा लेना, इसनों आप हौली हौली इस तरह आप चौंडे यदा करते हैं। जी स्टफिंग आप थोड़ी जी ये पावे इस तरह करके, सब तो पहले आप इदा हाथ में फड़ लेना है। फिर आप इस हौली हौली करके सब तो पहले आप गब्बे में इस बंद कर लेना है। थोड़ा जहाँ तुम धूड़े का हाथ ला लेना है सुके आटे का, फिर आप इस हौली हौली करके आप साइडा तो इनू बंद करना है। आप इन हूँ बंद कर लिया है, इसमें आप थोड़ा जहा लावे धूड़ा हाथ के नाल, थोड़ा जहाँ हौली हौली करके इन प्रेस कर लेना है। हम आप बेलने की सहायता के नाल आप थोड़ा थोड़ा हौली हौली करके आप इन बेलेंगे। बस इस तरह आप इन बेलना है। तवा हम गर्म हो चुका है, हम आप इन पावे तवे पर। हम आप साइड जी दूसरी साइड से आप करा, दूसरी साइड आप थोड़ी थोड़ी पकन देवे। हम आप दूसरी साइड करा, हम आप इतने लावे देसी घ्यो, देसी घ्यो के परौंठे बनाओ तो बहुत वधिया आ। फिर आप दूसरी साइड से भी आप देसी घ्यो लगा देना। हौली हौली करके आप इन्हें दवाई देना है। दूसरी साइड भी देखो अपनी कितनी बढ़िया सेक हो गई है। बहुत ही आसान तरीके दे नाल आपां तुहानूं दस्सदे पए आं, तुसीं भी इसी तरह बनाया करो तो बहुत ही वधिया बणदे आ।
लो जी साडा हुण जिहड़ा आलू दा परौंठा है बण के बिल्कुल तैयार हो गया है। हुण आपां इहनूं तवे तों उतारदे हां। हुण आपां एक दूसरे ढंग दा तुहानूं दसदे हां। आपां छोटे छोटे दो पेड़े लैणे आ, छोटे छोटे, बहुते ज़्यादा आपां वड्डे नहीं लैणे। लो तुसीं देख सकदे आपां इन्ने इन्ने पेड़े दो बनाउणे आ। इन्हें बेल लेना रोटी की तरह थोड़ा जहा, बस इन्ना कि आप इन्हें बेलना है। दूसरी भी आप इस तरह इन्ना कि बेल लेना है। हम आप जो आलू की स्टफिंग आप इस तरह लगा लेना है। दूसरी जी अपनी आनू आप इस तरह ये उपर रख देना है। सारिया साइडा तो आप इस तरह हाथ रेन की सहायता के नाल आपू बंद कर लेना। हौली तरह चुक के आप सुक्का आटा थोड़ा जहा ला लेना है। हौली हौली करके इसे बेल लेना है। बहुत वधिया अपना बेल के तैयार हो गया है। साइडा तो कोई भी अपने आलू जिहड़ी आ बिल्कुल नहीं निकलिया बाहर। हुण आपां इहनूं पाउने आ तवे ते। आपां दूसरी साइड इहनूं पलटांगे। इस तरह दूसरी साइड जी इन पलट ली है। इसके उपर भी आप देसी घे लगावे। इस तरह तुम हौली हौली इन प्रेस करी जाना है। दोनों पासे अपना चंगी तरह बन गया है। हुण आपां इहनूं तवे तों थले उतारदे हां। इस तरह आपां सारे परौंठे जिहड़े आ बना लैणे आ। दोनों विचों तुहानूं जिहड़ा सौखा लगदा तुसीं उहनां नूं बना सकदे आ। साढ़े हम आलू के परौंठे बन के तैयार है। हम आप दिखावे तो देख सकते हैं जोड़ा अंदरला स्टफिंग है। देखो कितनी वधिया आ। जे तुहानू साडी रेसिपी वधिया लगी तो साडी वीडियो वध तो वध लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हीर फैमिली चैनल सबसक्राइब करो। हुण असीं तुहानू मिलदे हां नवीं रेसिपी नाल। जद तक लई आप जी नूं बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल।